दिस इज़ ब्लिसफुल भावना एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार, जो आज की वीडियो है ना, वो मेरी पुरानी वीडियो से काफ़ी अलग होने वाली है। आज की वीडियो एक डिस्कशन वीडियो है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ मिथ्स, टैबूज एंड उसके पीछे के लॉजिक्स। सो यार, एक चेंज लाने का ट्राई करेंगे कि हाँ, कुछ लोगों के माइंडसेट में चेंज आए कि पीरियड्स आर नेचुरल। तो हो सकता है इस वीडियो के को काफ़ी लोग ऑफेंड हो, काफ़ी लोगों को पसंद ना आए एंड दे मे डिसएग्री एंड सो लेट्स टेक दिस इनिशिएटिव टू बी द चेंज। सो यार, आज के पैनल में जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एंड उसके बाद हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट हैं। फर्स्ट इज कृति खुराना मैम, शी इज़ अ लाइफ स्किल ट्रेनर। सेकेंडली वी हैव सीए शिवांशी गुप्ता मैम एंड थर्डली वी हैव वंशिका चावला मैम एंड शी इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चित्रा, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ एंड आपने क्या क्या कमेंट सुने, आपको क्या क्या फील होता है और आपको क्या लगता है, जो भी ये माइंडसेट है लोगों का, क्या ये सही है क्या? और असली में इस टाइम पे एक गर्ल को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या उसे वो मिलता है? इंडियन सोसाइटी ने क्या माइंडसेट बनाया हुआ है, उसके बारे में अपने व्यूज और ओपिनियन शेयर करो। सी, एक्चुअली बात ये है कि मैं एक प्रीमेच्योर बेबी हूँ। लाइक मैं 8 मंथ्स में बर्थ ले ली थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में हार्मोन्स के इम्बेलेंस पा रहते हैं। तो एक्चुअली मेरे को तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था ये सब पीरियड्स वगैरह। बट मैं बताऊँ ना, सिक्स्थ से जब मैं सिक्स में थी तब से स्टार्ट हो गया था। और बात ये थी कि सिक्स से मैं शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक रहता था, दिन भर काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शॉप। तो सच बताऊँ तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे कभी पेन भी हुआ है क्या, या कभी वीकनेस। हाँ, वीकनेस आई, मैं बहुत बार चक्कर खा के गिरी हूँ, बेहोश हुई हूँ। हाँ, 1-2 घंटे लेटती थी फिर रेडी हो जाती थी। बट एक्चुअली मैंने बाकी सबको क्या नोट करा, लाइक हमारे स्कूल में एरोबिक्स होते थे, 0 पीरियड होता है ना, उसमें एरोबिक्स एक्सरसाइज वगैरह होती थी। तो वो अब उनका नाटक है गर्ल्स का, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी, पर जो भी है वो ये बोलते थे मैम पीरियड्स है, तबीयत सही नहीं है तो हम नहीं करेंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, अगर ये लोग इतना नाटक करते तो कहीं मेरे पास तो, मतलब मैं भी तो चल पा रही हूँ ना। तो बात ही होती है कि लोग क्या सोचते हैं कि है ना, हमारे फैमिली ऐसे रिएक्ट करते हैं कि पीरियड्स आ गए, ओ माय गॉड, बस अब तुम हमसे दूर रहो, हमसे क्या, हमारी चीजों से दूर रहो, मंदिर से दूर रहो। सबसे पहली बात, आपके और स्पिरिचुअलिटी के रिलेशन में, मतलब आपके और गॉड के रिलेशन में कभी भी पीरियड्स ये सब मिथ्स नहीं आते, ठीक है? तो कभी भी जो भी गर्ल ये मानती है कि पीरियड्स हैं तो फिर भगवान के पास नहीं जाना, तो उस सिचुएशन में मैं बताऊँ ना, जो पेन होता है ना गर्ल्स को, वो हार्ट अटैक के 10% कम होता है, मैंने कहीं से सुना है, ठीक है? तो उस टाइम पे भगवान के पास नहीं जाना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। तो भले आप लोगों की बात मान के मंदिर मत जाओ, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि भगवान की मूर्ति को भी हाथ मत लगाओ, स्पिरिचुअलिटी भी मत करो, भजन भी मत गाओ, वो चीज काफी गलत लगती है मेरे को। स्टार्टिंग में मना करते थे बट मैं किसी की मानती नहीं, तो मैंने तो फॉलो करा था जो मेरे मन में आया, और अभी तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। लाइक मैं तो 2 दिन में एक बार, पहले तो कोविड से पहले तो ये हालत थी, अभी तो कोविड था से पहले ये हालत थी, मैं 2 दिन में एक बार सोती थी, वो भी 4-5 घंटे। पीरियड्स भी आते थे ना तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। इवन इतनी स्ट्रेंथ पीरियड्स की वजह से, इवन पता है बॉडी बहुत पावरफुल बन जाती है, बहुत ज्यादा पेन उसकी वजह से। अगर आप पीरियड्स का पेन टॉलरेट कर रहे हो ना विदाउट मेडिसिन के, तो कहीं पे भी आपको पेन होता है ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ना। पहली बात तो ये कि जो गर्ल्स ऐसे बोलती है कि हमें पीरियड्स हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, हम ऑल टाइम रेस्ट करेंगे, तो ये सबसे बड़ी खुद की गलती है उनकी। जब वो खुद को ही प्रॉपर फील नहीं करवा रही है, तो वो दुनिया को कैसे एक्सेप्ट कर, मतलब दुनिया से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो भी उन्हें नॉर्मली फील करवाए, प्रॉपरली फील करवाए। तो जब पीरियड्स आते हैं तो बजाय दुनिया से हाथ जोड़ लेने के, बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हाथ जोड़ने के, सबसे पहले तो खुद को ये समझाओ कि ये सबके साथ होता है, ठीक है? और तुम कोई नए नहीं हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है। और जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता है कि भाई तुझे पीरियड से तो तू दूर रहे, तो तुम उससे ये दिखाओ कि अगर हम दूर रहेंगे ना तो हम हमारा सारा काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें तो पीरियड्स हैं, हम आपका काम भी नहीं करेंगे, क्यों दूर रहे? एक बात बताओ, आप जो पैदा हुए हो, सामने वाला जो ये भेदभाव करता है, आप जो पैदा हुए हो, अगर ये आपकी मदर को पीरियड्स नहीं आते तो शायद आप पैदा नहीं हो पाते। तो पीरियड्स एक वर्ल्ड का बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत नेसेसरी स्टेप है। अगर ये नहीं हुआ
तो यूथ पैदा नहीं होंगे, वर्ल्ड यंग नहीं दिखेगी, पता है? तो ये होना काफी जरूरी है। तो ये जो लोग भेदभाव करते हैं और बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि भगवान के पास मत जाया करो, तो ये सबसे बड़ा गलत है कि जो बोलते हैं कि भगवान के पास मत जाया। हाँ ठीक है, बॉडी प्योरिटी में नहीं रहती, आपके अंदर के जितने भी जम्स वगैरह होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, बॉडी प्योर नहीं होती, लेकिन मन तो प्योर होता है ना। तो ये दूसरों को दबाना, खुद दबना वो गलत है। तो हाँ, नाउ कृति मैम, आप प्लीज अपने व्यूज शेयर करिए इसी टॉपिक पे। चित्रा ने बहुत अच्छा बोला एंड आई टोटली अग्री विद व्हाट एवर शी सेड, ऑल्दो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ठीक है। आई थिंक इट्स द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिंग्स दैट यू कैन हैव, बिकॉज इट्स द मोस्ट एसेंशियल थिंग विमेन बॉडी कैन होल्ड। ठीक है, तो इसमें जितने भी हमारे मिथ्स हैं कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, देयर हैज बीन रीजंस ना, पास्ट में ना हर चीज के बहुत सारे रीजंस थे। क्या होता था कि इफ हम बहुत पहले की बात करें तो सैनिटरी नैपकिन्स नहीं थे, तब आप जो भी सोर्सेज यूज करते थे उसकी वजह से देर माइट बी प्रॉब्लम्स ऑफ लीकेजेस। ठीक है, तो मंदिर में ना जाना वहां से स्टार्ट हुआ था, किचन में ना जाना वहां से स्टार्ट हुआ था। दूसरा, बिकॉज वेन यू आर ऑन योर पीरियड्स आपको ऑब्वियसली इतना सारा पेन होता है, और उस टाइम पे फैमिली में ना बहुत सारे वर्किंग लोग होते थे, देयर वाज अ जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट, तो इतनी सारी विमेन होती थी कि एवरीवन हैड द चांस टू डू द वर्क। तो इफ समवन वाज ऑन देयर पीरियड्स दे कुड जस्ट रिलैक्स एंड अदर्स कुड वर्क, बट टाइम एंड अगेन अब हमारी जॉइंट फैमिलीज नहीं रही। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं और उसमें हम एक्सपेक्ट करना कि पीरियड्स हो रहा है तो काम नहीं करो, इट्स नॉट लाइक कि पीरियड्स हो रहा है आप इसलिए काम नहीं कर रहे कि आप किचन में कुछ टच नहीं कर सकते, इट वॉज जस्ट बिकॉज द विमेन रिक्वायर्ड रेस्ट। और अभी भी आई थिंक इट्स गुड कि अगर वेमेन आर रेस्टिंग वो रेस्ट करें, एंड मेन ऑफ द फैमिली कैन वर्क प्रोबेबली फॉर 2-3 डेज, बट दिस इज नॉट ट्रू कि आप किचन में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते। आप किचन में इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि अब ना बैठ के काम करना, थिंग्स वर टफ। ठीक है, हर चीज मैनुअल थी, एवरीथिंग वॉज टू बी डन बाय हैंड। आपको कुछ भी बनाना है आपके पास मशीनरीज नहीं होती थी, कपड़े धोने आपके पास मशीनरीज नहीं होती थी। अब हमारे पास हर चीज इक्विप्ड है, तो इसके लिए आपको इस सेंस पे डिबेट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है कि काम करना चाहिए कि नहीं। अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आप दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट फंक्शन, एंड नाउ वी हैव द बेस्ट ऑफ सैनिटरी नैपकिन, टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स। इसके बाद क्लेनलीनेस का तो कोई पॉइंट रह ही नहीं जाता। अ ह्यूमन बॉडी इज अ प्योर सोल एंड इट्स क्लीन। एक सेट लोगों का बना हुआ है ऑलरेडी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी का, कि एक टैबू है, शेमफुल है, गर्ल्स इम्प्योर हो जाती है, एंड ये सब की उनको पिकल को हाथ नहीं लगाना, मंदिर नहीं जाना। तो मैंने ये कहीं सुना था, पर मैं ऑब्वियसली कॉपी कर रही हूँ, ये मेरी एग्जैक्ट लाइन नहीं है, बट आई टोटली अग्री टू इट। आचार खट्टे नहीं होते हैं, आपके विचार खट्टे हैं। ठीक है, योर थिंकिंग इज पॉल्यूटेड। अब उसके ना उन लोगों की भी प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरेशन से आता जा रहा है। ठीक है, टाइम लगेगा, वी हैव टू ब्रिंग दिस चेंज। द वर्स्ट पार्ट इज नॉट कि पुराने लोगों ने ये बोला, द वर्स्ट पार्ट इज कि हमारी जनरेशन भी यही मान रही है। हमारी मॉम्स में थोड़ा थोड़ा चेंज आया, हमारी ग्रैंड मदर्स में उतना नहीं आया था। ठीक है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। अगर हम चेंज नहीं ला पा रहे तो हमारे साथ प्रॉब्लम। उन लोगों की थिंकिंग अब चेंज करना आई डोंट थिंक दैट वुड डू, बट हाँ अगर आगे जनरेशन में हम लोग चेंज ला सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। जस्ट ब्रिंग द चेंज, बी द चेंज एंड ब्रिंग द चेंज। सो दूसरा चीज, लेट्स नॉर्मलाइज पीरियड्स, पर वो तभी होगा व्हेन द मेल जो फ्रेटर्निटी है ना हमारी, वो इस बात को समझेंगे कि पीरियड्स आर वेरी नॉर्मल, पर हम लोग ये नहीं कर पा रहे। अभी भी हम देखो यहाँ पर सिर्फ उधर और गर्ल्स वर डिस्कसिंग, हम लोगों को अभी भी लड़कों के साथ ये बात डिस्कस करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों, व्हाई इज दैट सो, गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग क्यों नहीं कर पाते? व्हाई कांट वी टॉक अबाउट दीज पीरियड्स विद बॉयज? व्हाई कांट वी टॉक अबाउट देम विद योर ब्रदर और योर फादर? तक हम उस सोसाइटी को, दिस इज लाइक द मोर बिगर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हम उनके साथ ये चीजों को नॉर्मल नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसको नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे। एंड व्हाट चित्रा सेड इज कि यू नो इट इज टेकन, वो लोग बहाने बनाते हैं इसके और उसका। आई थिंक होता है, बट यू कैन नॉट
judge the pain of a person. Everyone has different pains. So what you go through is not necessarily what others go through. Yeah, people do take it as a bahana. ठीक है कि नहीं करेंगे but सारे नहीं, not all girls. Sometimes you do have your own struggles. You can have other struggles as well. So it is, I think we should just normalize it. एक्चुअली इवन मेरे साथ भी अभी कुछ टाइम पहले एक्सपीरियंस हुआ था यही कि मेरी मम्मा ने बोला कि पिकल को हाथ नहीं लगाते इन डेज में. एक तो बोलते इन डेज क्या होता है, डायरेक्टली बोलो ना यार पीरियड्स है ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है अगर आपको ये लगता है कि खराब हो जाएगा तो आप मेरे को एक सेपरेट बाउल में थोड़ा सा पिकल निकाल के दो, मैं टच करती हूँ. खराब हुआ तो ठीक है मैं अपना माइंड सेट चेंज करूंगी, नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा. तो उन्होंने निकाल के दिया, मैंने टच किया एंड कुछ नहीं हुआ. दूसरा ना एक्चुअली पिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर बट इट केम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कि अगर पिकल में कुछ भी जैसे पानी का छींटा या कुछ ऐसी चीजें पड़ जाती है ना तो पिकल्स के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. और वही मैं कहूँ इफ बैक देन हम बात करें जब यू नो सैनिटरी नैपकिन वगैरह नहीं होते थे, आपको यू हैड टू क्लीन टू ऑफन, तो आपका हर समय ना यू वर विद वेट हैंड्स या फिर यू वर नॉट वेरी क्लीन, उस टाइम पे आपके हाथ साफ नहीं है या कुछ, तो उसमें अचार खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. पिकल बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है. ठीक है तो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट. अगर देखना अचार में कभी भी पानी चला जाएगा ना, अचार की जो बर्नी होती है उसमें पानी चला जाए वो खराब हो जाते हैं, पूरा अचार खराब हो जाता है. सो दिस वॉज हर चीज के पीछे लॉजिक्स हैं. बट द थिंग इज कि अब चीजें इतनी अपग्रेड हो गई है लेकिन हमारे लॉजिक्स वहीं खड़े हैं. लॉजिक्स को इम्प्रूव करने उसके पीछे एक रीजन और था एक्चुअली दैट कि पीरियड में खट्टा नहीं खाना चाहिए. तुम जितना खट्टा और ठंडी चीजें खाते हो उससे बहुत पेन होता है. ये मतलब इसके पीछे मेन रीजन है कि पिकल्स और जितनी भी खट्टी चीजें होती है ठंडी चीजें होती है वो अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर पीरियड. बना सकते हैं ना अचार डाल सकते हैं ना. हाँ यार सब कर सकते हैं, बस खा नहीं सकते क्योंकि आप खाओगे तो आपको ही पेन होगा. Now, Krishika, would you like to share your opinions? जब पीरियड्स होते हैं हम ऐसे देखते हैं कि मतलब मेल्स को ना पता लगे. अगर उनको पता लगेगा तो दे थिंक अबाउट यार क्या हो रहा है. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन सिक्स्थ आई गेट पीरियड्स एंड मम्मा स्कूल में आए थे कि बच्चा ठीक है तू, तो एंड आई वाज लाइक मुझे क्या हुआ बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस. So she will tell me that this. And I was asked, Papa bhi aaye saath mein. So kehte haan aur kiske saath aati na. So ever now, thode din pehle online sanitary matlab ki thi order. So and I was like, Papa ko bataoge. So kahin na kahin mindset rehta hai ki unko nahi pata chalna chahiye. But ab lag raha hai yaar natural hai. सबको पता, सबको पता इवन होता है पर फिर भी हम अपने माइंडसेट में ले लेते हैं यार उनको नहीं बताना. इवन सबको पता होता है, सबको यू वर बोर्न आउट ऑफ इट. हाउ इज इट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दैट योर पेरेंट्स मतलब योर फादर डजंट नो अबाउट. स्टार्टिंग में मेरा भी यही सीन था, मेरे को भी मम्मा ने बताया था कि पापा को नहीं बताना, ब्रदर को नहीं बताना. बट देन जैसे जैसे पढ़ा सब कुछ जाना कि यार नेचुरल होता है, कुछ नहीं होता. तो मैंने अपने छोटे भाई को, मैंने खुद ही उसको सब कुछ समझाया. मैंने कहा नेचुरल होता है, प्लीज तू इसको ये माइंडसेट गलत लेके मत चढ़ियो. लेकिन फिर पापा के साथ है, हाँ पापा के साथ थोड़ी सी हेजिटेशन होती है बट पापा भी काफी अब तो केयर करते हैं, जानते हैं तो वो भी केयर करते हैं. तो यही चीज है, ये चीज चेंज हमें सबके, हमें खुद ही लाना पड़ेगा. और ये चीज सभी के माइंड में, नेक्स्ट जनरेशन के माइंड में स्पेशली, क्योंकि खुद तो आएगा नहीं, ओल्ड जनरेशन जो कह रही है, तो हमें, हम लोग को ये स्टेप लेना पड़ेगा चेंज लाने के लिए. What are the other taboos that you think are associated with this? Let's discuss each of them individually. एक तो ये पिकल वाला बहुत ज़्यादा relevant है कि पिकल को touch ही नहीं करना खराब हो जाएगा. Then second कहते हैं कि नहाते भी नहीं है, head wash नहीं करते हैं. There is a reason behind a head wash actually. हेड वॉश इसलिए नहीं करते क्योंकि जो आपकी womb की walls होती है वो weaken होती है उस समय बहुत. सो इसके पीछे क्लिनिकली रीजन है. तो आप अगर पीरियड्स के टाइम फर्स्ट टू डेज हेड वॉश करोगे तो आपकी वो वोम की वॉल्स और ज्यादा वीक होगी, तो फिर प्रेगनेंसी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है. यू कांट कैरी अ बेबी इनसाइड योर वोम देन. हाँ
how is it like washing your head dependent on that? फर्स्ट टू डेज अवॉइड इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपकी जो अंदर इनर वॉल्स होती है वजाइना वॉल्स एंड वूम वॉल्स वो बहुत वीक होती है उस समय। बट हेड वॉश करने से उसका असर कैसे पड़ता है? I just want to know that. I don't have logic. It's all clinically, मतलब उसके पीछे किसका रीजन है? Let's leave it on the viewers कि वो कमेंट में लिख देंगे। Next taboo, what is the next taboo you think is? Hi everyone, Shivanshi this side. Am I audible? Yes, you're audible. Go ahead. Okay, so what were we speaking about? Going to the temple. You're just going to the temple and not going to the kitchen. So I think there was a story I had once come across that was regarding why it was not allowed to go to the temple earlier in earlier times. Because सारे taboos बहुत पुराने time से चलते आ रहे हैं ना। तो पहले कैसा होता था ना कि हमारे पास इतने सब प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, लाइक वी हैव टैम्पून्स एंड सैनिटरी पैड्स एंड स्टफ। अर्लियर ये सब अवेलेबल नहीं था, सो पीपल यूज टू यूज क्लॉथ। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द क्लॉथ इज दैट वो कितना भी मोटा हो वो इतना अब्जॉर्ब नहीं कर सकता जितना हमारे सैनिटरी पैड्स और टैम्पून्स वगैरह एकदम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए इन सब चीजों ने। तो क्या होता था कि जनरली लोग जमीन पे बैठते थे, तो ये होता था कि लड़कियां अगर वहां पे जाके जमीन पे बैठेंगी टेम्पल्स में दे माइट स्टेन द एरिया। दैट्स व्हाई इट वाज सेड दैट अवॉइड गोइंग टू द टेम्पल ड्यूरिंग दिस टाइम सो दैट इट डोंट एंड अप स्टेनिंग द एरिया। दैट इज समथिंग आई केम अक्रॉस, मुझे काफी बिलीवेबल लगा कि हो सकता है ये रीजन हो। Actually, yeah, this is probably, I think this is the only reason, this is, हम लोगों ने पहले भी discuss किया था ये। अच्छा, एक taboo जो मैंने बहुत, the weirdest one that I have gone through, मतलब I'm not gone through, I've just heard about it, is that you cannot sleep in the same bed, you cannot eat out of the same utensils, and I think there are other things also, you are kept aside from the entire family. I know all of us sitting here, हमारी families में ये नहीं होता, you are from मच मच एडवांस फैमिलीज, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये प्रेविलेंट है। सो एनीवन हैज टू से एनीथिंग अबाउट दैट? आई थिंक बहुत फैमिलीज में होता है, अभी भी होता है, अभी भी एजुकेटेड फैमिलीज में होता है। हाँ होता है, आई हर्ड वन फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स, सो आई थिंक यू माइट बी नोइंग हर, सो आई एम नॉट गोइंग टू नेम हर, बट नो नो डोंट टेक नेम्स। सो शी टोल्ड मी कि उनके घर में होता है, तो उसका जो यंगर ब्रदर है ही ऑलवेज यूज्ड टू कीप आस्किंग कि दीदी को ऐसे क्यों किया जा रहा है, दीदी को अलग से क्यों खिलाया जा रहा है, बट इट वाज प्रेविलेंट इन हर होम। और आंसर्स होते हैं ऐसे फैमिलीज में क्यों किया जा रहा है ऐसा? आई डोंट नो, कुछ वियर्ड से आंसर दे देते होंगे छोटे भाई को, आई डोंट थिंक सही बताते होंगे। I don't know the reason behind this, क्यों करते हैं ऐसे? I think एक योर्टी मानते हैं कि हाँ इंप्योरिटी मानी जाती है ना। हाँ शायद कुछ ऐसा बोलते हैं कि इस टाइम पे ऑल द टॉक्सिन्स आर गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम योर बॉडी, सो दैट्स व्हाई यू शुड स्टे अवे फ्रॉम किचन एंड पता नहीं और सब चीजों से। अभी तक तो इतने इतने मिथ्स और टैबूज पहले ही थे, अभी हमारा जो नया वाला आया है जो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने क्लैरिफिकेशन दे दिया अबाउट द वैक्सीनेशन थिंग, यू कैन नॉट गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड 5 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर एंड ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन। भैया कब कराएं बता दो। दैट्स प्रोबब्ली बिकॉज़ द बॉडी इज वीक एट दैट टाइम, शायद इसलिए होगा, आई डोंट नो, बिकॉज क्योंकि उससे फीवर वगैरह आ रहा है ना। बट मैं सोच रही थी कोरोना भी तो हो सकता है यार, मैं कह रही हूँ बहुत सारी चीजों के ना हमें रीजंस नहीं पता होते, कुछ कुछ चीजें वैलिड होती है। आई थिंक देयर आर सम टैबूज व्हिच वी कॉल टैबू बट आई थिंक समटाइम्स दे आर वैलिड। Just the point is we do not know the reason why this kind of a thing is prevalent.
जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल इज नॉट रिलेटेड टू द पीरियड बट ऐसे कहा जाता है कि जो तुलसी का पत्ता होता है उसको दांतों से नहीं चबाना चाहिए. अब ये लोग बोल तो देते हैं स्ट्रॉबेरी कैसे नॉट आयन, इट हैज मर्करी इन इट, मर्करी विच इज नॉट गुड फॉर द टीथ. अगर आप उसको दांतों से चबाओगे योर टीथ विल गेट स्पॉइल्ड. तो प्रॉब्लम यही होती है ना कि बोल तो दिया बट यू डिडंट टेल द रीजन. So people then associate it with a lot of other kind of stories. कोई भगवान से जोड़ देता है, कोई डर से जोड़ देता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. हमारा जो इंडियन कॉन्सेप्ट है ना वो उस साइकोलॉजी पे चल रहा है कि बस भेड़चाल चल रही है. We don't know when it started, we don't know why it started, but क्योंकि था तो let's just keep following it. एक बहुत prevalent सी स्टोरी है जिसमें एक भेड़े चल रही हैं आपस में और वहां पर किसी ने गड्ढा खोद दिया तो भेड़ क्या करती है उस गड्ढे से कूद के जाती है. हर थोड़े टाइम बाद एक भेड़ जाती है उस गड्ढे से कूदती है फिर दे मूव कीप मूविंग इन लाइंस. थोड़े टाइम बाद उस गड्ढे को भर दिया गया लेकिन क्योंकि आदत पड़ गई थी कूदने की वहां से तो अभी भी जब भेड़ जाती है ना तो वहां उससे कूद के ही आगे जाती है और तो गड्ढा भरा जा चुका है. तो हमारी सोसाइटी भी उसी में चल रही है तो कब का भरा जा चुका है लेकिन वी आर कीप जंपिंग बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्चुअली इस वक्त एप्लीकेबल ही नहीं होंगी जो हम फॉलो कर रहे हैं बट प्रॉब्लम पे है ना उस चीज का रीजन नहीं पता होता ना हमें तो फिर दिमाग में आता ही ना कि ये चीज तो है ही नहीं अब ये चीज फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है. एंड मैम अभी हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जहाँ पे अभी तक कई मतलब बहुत लोगों के माइंड में माइंडसेट गलत है कि पीरियड्स एक बहुत बड़ा हुआ है तो वो चीज को काफी ज्यादा इंडिया को मतलब बैकवर्ड भी कर देती है. अगर वो चीज ना हो तो भी इंडिया काफी हद तक डेवलप हो सकता है तो उसके लिए हम नेक्स्ट जनरेशन को स्टेप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा जहाँ वो लैग कर जाते हैं. आई थिंक ये बहुत चेंज हो रहा है अब. आई थिंक पीपल आर मोर अवेयर नाउ एंड दे टॉक अबाउट इट मोर नाउ. आई थिंक मोस्ट ऑफ माय मेल फ्रेंड्स आल्सो I can openly talk to them और वो हॉ नहीं करते कि ये कौन सी बातें हो रही हैं. तो I think change तो हो रहा है. Let us talk about all the weird experiences that we come across ना schools में, offices में. मतलब अगर किसी से pad मांगना है तो I think every girl has come up to a random girl and said तेरे पास है क्या? क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं नाम तो लेना ही नहीं है नो it's a big thing. एंड गर्ल्स का वो एक सीक्रेट टॉपिक जो आप खड़े हो गए तो पूछोगे यार देखिए जरा कुछ स्टीम तो नहीं है. सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड और ये बात हम लड़कों से क्यों नहीं कर सकते हैं. और सैनिटरी नैपकिन्स का जो हम लोग को मार्केट में मिलते हैं तो वो पूरा एक लिफाफे के अंदर लिफाफा डाल के देंगे वो आपको. लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. जब मेरे साथ फर्स्ट पीरियड था तो मैं 7th क्लास में थी और मेरे को मेरी फ्रेंड ने उसके बारे में 2-3 दिन पहले ही जस्ट बताया था कि पीरियड्स होते हैं. आई वाज लाइक पीरियड ये तो मैथ साइंस के होते हैं ये हमें क्या होता है. तो जाके मैंने मम्मा से पूछा था तो मम्मा ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था बट किया था. तो जब मेरे को फर्स्ट टाइम थे तो बहुत गंदे वाले क्रैम्प्स थे एंड उसके बाद मैं रोई थी. लेकिन उसके बाद ये रहता था कि मेरे स्कूल मिस होते थे पीरियड्स के टाइम पे. मेरे स्कूल मिस बहुत ज्यादा होते थे एंड टीचर्स को एक्सप्लेनेशन देना दे यूज्ड टू बी लाइक एक्सक्यूजेस बना रही है. तो काफी वियर्ड एक्सपीरियंस रहते हैं पीरियड्स के और काफी गर्ल्स अवेयर नहीं होता उस टाइम पे फर्स्ट पीरियड. ये प्रॉब्लम है कि अवेयर नहीं होता हमें. आई थिंक दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड स्कूल्स को प्लस पेरेंट्स को प्रॉपर हर गर्ल को गाइड करना चाहिए. व्हेन द गर्ल टर्न्स 10 और 11 उसको बिठा के उसको समझाना चाहिए. स्कूल्स में तो ऑब्वियसली सेक्स एजुकेशन के नाम पे क्या ही होता है वी ऑल नो इट बट एटलीस्ट पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. अगर मॉम्स हैं तो मॉम समझाएं बैठ के. एंड एवरी गर्ल शुड बी गिवन अ सैनिटरी नैपकिन टू कीप इन हर बैग आफ्टर शी टर्न्स 10 और 11 कि भैया इसको रखो. दे शुड नो हाउ टू यूज इट एंड व्हेनेवर यू गेट इट एनी टाइम यू नो यू कैन यूज इट. फ्रेंड्स से जानने से अच्छा आई थिंक फैमिली में अगर वो एजुकेशन हो तो दैट वुड बी मच मच बेटर. I think even families are very reluctant in talking about all of this. मतलब मेरी मॉम ने तो मुझे नहीं बताया. मुझे तो स्कूल से पता चला था क्योंकि मेरा तो गर्ल स्कूल था तो काफी लंबा डिस्कशन हुआ था इससे. When I was in 5th standard, so I knew from the time I was in 5th standard. Okay. But
स्टिल एक बार घर में बात होती है तो अलग कंफर्ट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको जाके तो उन्हीं को बताना पड़ेगा. एक्चुअली सबसे बेकार चीज होता है ना कि व्हाट एवरीबॉडी टॉट अस कि ये किसी को बताने नहीं, पहले तो हमें कोई बताता ही नहीं कि ये क्या होता है. व्हेन वी टर्न 12 और 13 कोई बताता ही नहीं, इवन मम्मा भी कभी आके ऐसे इनिशिएट नहीं करती कि ये चीजें है ये सब, अब एज हो गया तो बता दे. सबको लगता है जब होगा तब बताएंगे, तो वो हमें पता नहीं रहता. तो जब भी हमारा फर्स्ट पीरियड आता है तो हम ऐसे डर जाते हैं कि व्हाट इज दिस, क्योंकि हमें कोई अवेयर ही नहीं करता इस चीज के बारे में. उसके बाद फिर मेरे साथ एक बार क्या हुआ था कि जब मेरी पीरियड, दैट वाज नॉट माय फर्स्ट पीरियड, लेकिन ऐसा था कि मम्मी बोलती थी कि ये सब कुछ मेल को नहीं बताना होता, किसी को भी. ये चीज बहुत इरिलेवेंट लगती है मेरे को, क्यों नहीं बता सकते, लाइक व्हाई वी कांट टेल अवर फादर, उन्होंने हमें जन्म दिया, आप उन्हें नहीं बता सकते कि वी हैड अ पीरियड. तो मम्मा बोलती थी कि नहीं शेयर नहीं करना कभी, मतलब नहीं करना. तो क्या हुआ था कि एक बार घर पे मैं थी और वहां पे मम्मी नहीं थी, सिर्फ मैं और मेरे पापा थे. और उस दिन मेरी स्कूल थी सुबह सुबह और पापा लंच बना रहे थे, एंड आई हैड माई पीरियड. उसके बाद फिर मैं इतना डर गई, तो फिर मुझको था कि यार मम्मी तो बोली है पापा से नहीं बताना, अब क्या करूँ, अब स्कूल कैसे जा सकती हूँ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, इतने सारा क्रैम्स आ रहे थे, इतने पेट दर्द. तो फिर पापा बोले कि क्या हुआ है, मैं बोली नहीं कुछ पापा, बस ऐसे ही लंच दे दो, मेरे को स्कूल जाना है. मेरे को लगा कि उधर जाके फ्रेंड से या फिर दीदी लोग होती है वो लोग से शेयर करके कुछ हेल्प ले लूंगी, मतलब आई हैड सैनिटरी पैड्स तो वो ले लिए थे. तो मेरे को लगा कि उधर जाके शेयर करूंगी, पापा से क्या बोलूंगी क्या, क्योंकि मम्मा तो मना करती है हर टाइम. तो मेरे को और डर लग रहा था. फिर पापा बोले कि क्या हुआ है, तो पापा मेरे से स्ट्रिक्टली पूछने लगे क्योंकि उनको मेरा फेस बहुत उतरा उतरा दिखा. बोले क्या हुआ बता बता. फिर मेरे को लगा कि ठीक है हो गया, मम्मी को तो प्रॉमिस की थी नहीं बताने, लेकिन ठीक है बाद में मम्मी से निपट लूंगी, अभी बताना नहीं है. मैं बोली पापा ऐसा ऐसा है. फिर पापा इतना कूल रिएक्ट किए, ही हग्ड मी एंड ही वाज लाइक अरे पर डरना क्यों, इट्स नेचुरल. आई लिटरली फेल्ट कि वो बहुत अच्छा फील था. मतलब कभी कभी हम गर्ल्स जैसा सोचते हैं कि पापा से शेयर नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम शेयर कर सकते हैं. बहुत लोग पहले ही अजम्पशन कर लेते हैं कि पापा से शेयर नहीं करना, वो नहीं समझेंगे या फिर नहीं करना, तो ऐसा कुछ नहीं होता. वी कैन शेयर, और ये टैबूज एंड ऑल कि अचार पिकल्स नहीं कर, या फिर ट्रीज वगैरह कोई भी टच नहीं करने, ग्रीनरी वो सूख जाएंगे, ऐसा भी रहता है. फिर वो ब्लैक कलर का पॉली बैग में आपको कैरी करके लाना है, क्योंकि इट इज लाइक टॉप सीक्रेट. ब्लैक कलर का पॉली बैग ही लाना है. सैनिटरी पैड्स आर लाइक टॉप सीक्रेट, गर्ल्स एंड वुमेन्स ट्राई देयर बेस्ट टू हाइड देम. तो वो भी मेरे को ये सब कुछ समझ नहीं आता. लाइक पहले जो कुछ भी चीजें थे, जैसा कि आपने बोला, हर चीज का पहले रीजन था, बेसिकली हर चीज का रीजन होगा. बट फॉर टूडेज जनरेशन आई थिंक चीजें काफी बदल गई है, बच्चे काफी अवेयर हो गए हैं, तो हमें ये सारे चीजों को फॉलो करना रिलेवेंट नहीं लगता. जैसे कुछ कुछ चीज, जैसे कि पेड़ टच करोगे तो वो सूख जाएगा, ये क्या है, ग्रीनरी को टच करने से सूख जाएगा, अचार टच करने से. हम इतना मैच्योर हो गए कि हम उसको एक बेसिक चीजें पता होना चाहिए, व्हाट साइंटिफिक, ये सब कुछ इतना हो गया था. एक बार कि मैं सर्च कर रही थी कि ऐसा कुछ फैक्ट क्या है इसके पीछे का, मतलब इज देयर एनी रीजन, तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखा कि कोई ऐसा वैलिड रीजन नहीं है कि हम टच नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, उसके पीछे का कोई वैलिड रीजन नहीं, बस एक मिथ है जो फॉलो होते आ रहा है. पहले जो कुछ भी था, आज चीजें काफी बदल गई है, अपडेट हो गई है. तो आई डोंट थिंक सो कि अब हमें ये सब चीजें को आगे लेके जाना चाहिए. हमारे मदर्स लोग, एग्जैक्टली हमारे मदर्स थोड़ी आगे आई है. अब आई थिंक कि टुडेज जनरेशन, हमें चीजें बदलनी चाहिए, हमें फ्रैंक फील होना चाहिए इसके बारे में बात करके, बिकॉज ये कोई टैबू वैबू नहीं है. फ्रेंड्स से बात करो, मेल फ्रेंड्स से बात करो, फैमिली में बात करो, ब्रदर्स से बात करो, फादर से बात करो, सबसे बात करो, आई थिंक इट्स नॉर्मल. एग्जैक्टली, इट इज नॉर्मल एज ब्रीदिंग. वंशिका, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वंशिका दैट शी वांट्स टू स्पीक. वंशिका गो अहेड. या सो from my experience, luckily I never faced anything like this. मेरे आसपास लोग सब बहुत encouraging थे, even in school, चाहे वो girls हो या boys हो. Even मेरी एक बार मेरे skirt पे एक spot भी लग गया था, and a guy was sitting next to me, he held me, it's okay, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ले चलता हूँ तुझे washroom तक साथ में, इससे कोई tension लेने की बात नहीं है. And even my dad, my brother, they are so encouraging and always motivating me. अगर मैं
कभी भी डाउन होती हूँ तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ सबको घर पे कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड आई वांट टू रिलैक्स. मैं उस दो दिन तो कुछ काम नहीं करती. दे जस्ट एनकरेज मी कि कोई नहीं तुम रेस्ट लो हम सारा काम कर लेंगे. एंड आई थिंक आई ब्रोक दिस टैबू. मैंने उनसे बात करना स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए थे. आई वॉज द वन with my dad and told him to please get me a sanitary napkin from a shop. So I started this and broke this taboo. Mujhe jab bhi pain hota hai, I love directly tell my father. So it's like ki hume khud ko ek first step lena chahiye. Hum jab tak wo first step nahi lege tab tak koi kuch change nahi ho sakta. You can make the change, right? And मंदिर में जाना हो या नहीं हो, आई थिंक इट्स ऑल वंस बिलीव. अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा तो मत जाओ, तुम्हें सही लग रहा है तो चले जाओ. किसी और की क्यों सुनना, तुम्हें तुम्हारा दिल का कहता है, तुम्हारा दिल जो कहता है बस वो करो. इट्स ऑल प्योर, इट्स योर ब्लड ओनली विच इज कमिंग आउट थ्रू योर वजाइना. तो कुछ इम्प्योर नहीं होता, कुछ टॉक्सिंग नहीं होता. इट्स ऑल प्योर, इट्स योर ब्लड ओनली. अगर तुम्हें कोई चोट लगती जो ब्लड तुम्हें वहां से निकलता है वही ब्लड तुम्हारे वजाइना से फ्लो है, नथिंग है. एंड आई थिंक मैसेज दैट यू हैव नॉट कंसीव्ड, दैट्स इट. या इट्स योर प्योर ब्लड ओनली. एंड इट्स आई थिंक सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं. अगर किसी एक को पेन नहीं होता तो जरूरी नहीं कि किसी और को भी नहीं होता. शायद उसको कहीं ज्यादा पेन होता होगा. तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं. कोई कुछ फील करता है, कोई कुछ फील करता है. सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं. सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है. सो अपनी बॉडी टाइप जानो कि तुम्हारी बॉडी को क्या सूट करता है. कि जैसे मुझे बहुत लोग कहते हैं कि पीरियड्स के टाइम रनिंग, ज्यादा जंपिंग, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो कुछ को सूट नहीं करता, लेकिन मुझे सूट करता है तो मैं कर लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड थिंग कि जैसे हेड वॉश नहीं करना चाहिए. अर्ली एजेस में यू कैन डू हेड वॉश. वो तब नहीं करना चाहिए व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी. तब तुम्हें हेड वॉश नहीं करना चाहिए, तब तुम्हारी वॉल्स बहुत वीक होती है. बट अर्ली एजेस में यू कैन, लेकिन फिर भी मुझे वो अभी सूट नहीं करता. मैं जब भी कोल्ड वाटर हेड शावर करती हूँ तो मेरी बॉडी को सूट नहीं करता, मैं और ज्यादा वीक फील करती हूँ. सो अपनी बॉडी टाइप को जानो कि पीरियड्स के टाइम तुम्हें क्या सूट कर रहा, क्या सूट नहीं कर रहा. लोगों की मत सुनो. जो तुम्हें सूट नहीं कर रहा वो मत करो, और जो तुम्हें सूट कर रहा है वो करो. अगर आपको नहाना सूट नहीं कर रहा है तो मत नहाओ. लेकिन आई थिंक जैसे मुझे आई फील गुड आफ्टर बेथिंग, इट फील्स मोर क्लीन, तो नहाओ. I don't think we should make it different for everyone. Everyone's body is very different. The way you react to it. Some people have 1 day of periods, some have 4 days of periods. Sabka apna hai. The body works in its own different way. इवन एक मिथ होती है कि आप सैनिटरी नैपकिन को ऐसे नहीं लेके जा सकते नॉर्मली. उसको न्यूज़पेपर में ब्लैक पॉलिथीन में पैक करके लेके जाना होगा. जब हम लोग मार्केट में सिगरेट्स होते हैं, तंबाकू होते हैं, उनपे वार्निंग लिखी रहती है, तब भी वो ओपनली सेल किए जाते हैं. देन सैनिटरी नैपकिन में ऐसी क्या चीज है? सैनिटरी नैपकिन तो बल्कि लाइफ सेव करता है. आप उसको ऐसे ले जा रहे हो, आप उसको ओपनली ले जाओ तो फिर कोई और क्यों टोकेगा? मतलब मैं नहीं ले जाती. अगर मेरे हाथ में सैनिटरी नैपकिन है या टैम्पॉन्स है, मैं तो बिल्कुल खुला जाके उनसे शॉपकीपर से बोलती हूँ कि भैया मुझे ये दे दो, और मैं उसको वैसे उठा लाती हूँ कि भाई इसको नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आपके प्लास्टिक पॉलिथिन में, मैं ऐसी ले जाऊंगी हाथ में. आप मत करो. यू कैन ओनली डू द चेंज, राइट? जब तक आप चेंज नहीं लाओगे तो फिर दूसरे भी छुपाएंगे. मैं वो चीज नहीं करती क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि क्यों उसको मैं छुपा के ले जाऊं. बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, इट इज राइटली सेड ना. या स्टार्ट विद योरसेल्फ. एग्जैक्टली. वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे चीजों को लेके जा रहे हैं. बाकी ये सारे जो चीजें इसके पीछे कोई रिलेवेंट, कोई कोई चीजें है जैसे जंपिंग वगैरह नहीं करना. व्हेन वी सी कि साइंटिफिक, उनके पीछे कुछ कुछ साइंटिफिक रीजंस है, तो हम वो अवॉइड कर सकते हैं अगर वो सूट नहीं कर रहा. एग्जैक्टली आई एम अग्री विद वंशिका. वो बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है. बट ये ब्लैक पॉली बैग में लेके जा रहा है, इसके पीछे कोई वैलिड रीजन नहीं है. हम पे है कि हम कहाँ कंफर्टेबल है, हम किस चीज में कंफर्टेबल है, हम किस चीज में कंफर्टेबल नहीं है. ऑल योर कंफर्ट जोन, एवरीथिंग लाइज इन योर हैंड्स, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट. और हम लोग ही चेंज है. वी आर द फ्यूचर,
वी आर द प्रेजेंट एंड वी वर द पास्ट. हम लोग पास्ट में नहीं कर पाए, इट्स फाइन. इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर वी कैन मेक अ चेंज एंड लेट्स टेक दिस इनिशिएटिव टू एजुकेट. बिकॉज आई थिंक हम लोग बहुत प्रिविलेज हैं कि हम लोग बहुत अच्छी सोसाइटीज से आते हैं. हमारे पेरेंट्स और हमारी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी है, हमारी सोसाइटीज अच्छी हैं, हमारी एजुकेशन अच्छा है, और इसके बाद भी अगर हम चेंज नहीं ला पाते हैं ना, तो हमारी ही ड्रॉबैक्स हैं. सो आई थिंक वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस हु केम हियर एंड स्पोक ऑन दिस, बिकॉज पहले तो बात करने में भी प्रॉब्लम लोगों को. एटलीस्ट वी कम हियर एंड स्पीक, बात तो करें. यस मैम, देर आर सम गर्ल्स जो कि बोलती कि नहीं नहीं यार इस पे नहीं, सब ये सब हाईलाइट करने वाला चीज नहीं है, ऐसे वो सारी चीज, वो माइंडसेट को एक्चुअली बदलने का जरूरत है. आपके साथ होता आप ही फ्री फील नहीं करोगे, तो फिर हाउ वुड यू ब्रिंग द चेंज, हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं. एंड दिस इज आवर बेटर, देयर इज अ चेंज, देन व्हाई टू सफर साइलेंटली. बिल्कुल, स्वाति सर एग्जैक्टली करेक्टली. सो लेट्स टॉक अबाउट ईच वन ऑफ अस व्हाट चेंज वी कैन ब्रिंग. एक एक जना एक एक चेंज पे बात करता है, क्या क्या चेंज लाने की जरूरत. लेट्स जस्ट हैव अ रैपिड फायर टाइप, क्या चेंज भावना. यस मैम, सबसे पहले तो हम लोग अपनी फैमिली के जो मेल है उनके साथ इस टॉपिक पे बात करने में थोड़ा सा ओपन फील करें. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो होता जाएगा. एंड देन उसके बाद हम जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है या फिर जो भी हमें लगता है कि हाँ ये बच्ची है, छोटी गर्ल्स है, उनको एजुकेट करने की जरूरत है, उनमें एक अवेयरनेस लाई जाए. और जितना हो सकता है टैबूज को हम लोग ना फॉलो करें. अगर हमें लगता है कि हाँ कि मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता तो हम जाए. एंड सैनिटरी नैपकिन को हम बिना पॉली बैग के कैरी करें. तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू मी चेंज ला सकते हैं. शिवांशी, व्हाट डू यू थिंक इज द चेंज दैट इज रिक्वायर्ड, वन थिंग. The most important is firstly awareness and secondly talking about it. I think the more we talk about things, the more we become comfortable with it, and the more it stops being a taboo for us as a as an individual and normalizing periods. Right. Krishika, change. Ma'am, don't be afraid of sharing. सैनिटरी नैपकिन. हाँ भाई, ये प्रॉब्लम तो हमने अभी तक फोकस नहीं किया था. रियाज वॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट. शी सेज कि लोगों को खरीदने में भी प्रॉब्लम है, लड़कियों को जाके मांगने में प्रॉब्लम है लोगों को. इवन इनफैक्ट वी've सीन गर्ल्स हु हैव प्रॉब्लम्स इन गोइंग एंड बाइंग देयर अंडरवियर्स. आई डोंट नो कितनी प्रॉब्लम हम लोगों ने ना लिस्ट की हुई है कि हमें ये बात नहीं करनी, हमें ये बात नहीं करनी है. इवन गर्ल्स हैव प्रॉब्लम्स इन ड्राइंग देयर इनरवियर्स इन द ओपन. भाई तुमने वो पहने नहीं हुए, वो सिर्फ ड्राई हो रहे हैं वहां पर. सो आई थिंक ये प्रॉब्लम सामने वाले लोगों को भी होती है. आई मीन देयर इज वन इंसिडेंट दैट आई हैड गॉन थ्रू. सो आई हैड पुट माय अंडरगारमेंट फॉर ड्राइंग इन द बालकनी. सो देयर वाज एन आंटी हु वाज लिविंग राइट इन द एडजेसेंट फ्लैट, मतलब इन फ्रंट ऑफ मी. सो शी केम एंड टोल्ड मी कि बेटा आप अपना प्लीज अपनी गारमेंट्स अंदर सुखाया करो, यहाँ पे लड़के और सब मेल रहते हैं तो कंफर्टेबल नहीं होता, तो नेक्स्ट टाइम से फिर मुझे अंदर डालने पड़े. सो आई थिंक इट्स नॉट ओनली अस, मतलब आई वाज कंफर्टेबल. मैं का यार उनके घर में भी सूखते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनके घर में नहीं सूखते होंगे, तो मैं तो डाल दी है. बट वन चेंज दैट यू वुड लाइक टू सी वेरी सून, स्प्रेड अवेयरनेस इन रूरल एरियाज एंड टीनेज गर्ल्स. Because rural areas में I think ज़्यादा problem है. हम urban areas में फिर भी इतनी problem नहीं है, मतलब people are more open about this. But rural areas में इस समय इस चीज़ में condition बहुत ख़राब है. And especially teenage girls में उनको बिल्कुल अभी awareness नहीं है. Schools में अगर हम जाए तो 12 और 13 years की girls को पता भी नहीं होगा कि periods क्या है. Even जब मैं 12 और 13 years की थी मुझे भी नहीं पता था.
हम वी कैन टेक पीरियड एज नॉर्मल, इसको कोई हवा बनाने का जरूरत ही नहीं है, हम नॉर्मल ले सकते हैं. और चेंज वो जितने भी मिथ्स है, टैबूज है, जो हमको नहीं सही लगते, जो हमारा इनर इंटेंट बोलता है कि नहीं ये सब कुछ सूट नहीं कर रहा है, सब कुछ वैलिड नहीं है, साइंटिफिक रीजन नहीं है, तो हम वो सारी चीजों को अवॉइड करें और अवेयरनेस स्प्रेड करें, वो सारी चीजों को फॉलो नहीं करें. और ये सब कुछ शेयर करने में, जैसे हम लोग अपनी गर्ल फीमेल फ्रेंड से बोलते हैं कि यार ऐसे ऐसे हो गया, अगर वहां पे कोई टीचर या फिर कोई, तो ये कोई मेल पर्सन हो गया, तो वी कांट बी फ्री टू शेयर विद देम. तो वो फ्री, वो फ्रेंकली, फ्रेंकनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए शेयर करने में, बिकॉज ये नॉर्मल चीज है. मैम जब भी हम मतलब अपनी यूज सैनिटरी डस्टबिन में फेंकने भी जाते हैं, तब भी हमें ऐसे हो सके अगर किसी ने बालकनी से देख लिया तो क्या सोचेगा, क्या फेंक रही है, तो वो माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हो रहा. आई थिंक सैनिटरी डिस्पोजल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वी कैन जस्ट नॉट डिस्पोज इट बिकॉज सम ऑफ देम आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो दे शुड बी प्रॉपरली पुट इनटू द डस्टबिन. तो ऑब्वियसली हाँ, उसको रैप करके फेंक दो, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसको सिर्फ 10 तरीके के लिफाफों में रैप करके आपको फेंकना है. इट कैन जस्ट बी थ्रोन इन द ओन पैकेज जो उसमें ऑलरेडी वो आता है. When you use in the next one, उसके पैकेज में you can easily just put it and throw it. I don't think there is anything big thing कि उसको पेपर में डालो, फिर उसको पॉलिथिन में डालो. आप इतना पहले आप इतना ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, फिर उसको और पॉलिथिन में डाल डाल के आप और फर्दर मोर पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरमेंट को. तो उसको भी स्टॉप करना है. एंड ये गर्ल्स, yes ma'am, girls can use menstrual cup also because they are, it is more friendly than sanitary pads. Obviously, that's not very comfortable starting में, तो ठीक है, girls can take their own sweet time to use that. But जब तक pads use कर रहे हैं, pads को disposing का भी तरीका होता है. पर एक चीज मैंने किसी comedian के मुंह से सुनी थी कि भाई वो 5 days if you're not comfortable wearing white, तुम black पहन लो, but make it okay. Do not go ऐसे हर चीज में ना black करने की जरूरत नहीं है. Just be normal with it. और एक आध स्टेन अगर कभी लग जाता है by chance, तो it's fine. And talk to the males of the society. अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे male members उनको help कर सकते हैं, I think अब तो इतने awareness campaigns हैं, इतने advertisements हैं, they have made it so normal. We can just talk about it आराम से. Any other point that we've been missing on? The main thing is कि अब इसको normalize करने का time है, let's talk periods. Yes, ma'am. The problem is not कि we don't know about it. We do know, but we choose to ignore it. We know a lot of things. I think हम लोग बहुत कुछ ignore करते हैं. पता तो सबको सब कुछ होता है. सबको पता है कि क्या क्या problems हैं, क्या क्या face कर रहे हैं हम लोग. But we are like हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं. हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में थोड़ी होता है. And we just brag about it and leave it. We have to make it properly in every section of the society. We can start by educating our mates. Maybe rural section में पहुंचना है तो यहाँ से हम start कर सकते हैं. हमारे घर में जो maids आती हैं, अब तो sanitary napkins कई सारे बहुत ही inexpensive भी आते हैं, तो we can even guide them to use sanitary napkins instead of using a cloth because that's not hygienic as well. Yeah, अगर even if you're using a cloth has nothing, no problem with that. It's totally hygienic. If you are washing it properly and drying it in the sun, तो उनको educate करो, उनको ये बात समझाओ. But I don't think हम में से कोई भी कर पाता है. और ये वाले जो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं वहां तक पहुंचेंगी भी नहीं जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं. So we have to make it a point कि हम उस सेक्शन तक जाके ये बात कर सके. Actually, even I was about to say that कि awareness के लिए जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाओ या कहीं जाने की जरूरत है आपको. जो ऑलरेडी आपके आसपास लोग हैं, लाइक देयर कुड बी अ सिस्टर इन योर होम, योर कजन्स आल्सो, स्मॉलर सिस्टर्स, यंगर सिस्टर्स, उनके साथ आप बात कर सकते हो. हो सकता है उन्हें किसी ने ना बताया हो, सो यू कैन मेक देम आल्सो अवेयर. उनकी शायद प्रॉब्लम थोड़ी रिजॉल्व हो जाए. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट यू कैन डू, एवरीवन कैन डू. कृषिका says a point that जिस तरीके से हमें रिलीजन पढ़ाया जाता है, यू नो, दिस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग. जैसे हम लोगों के घर में नॉर्मलाइज होता है कि हिंदुओं के घर में रामायण पढ़ी जाती है, क्रिश्चियंस के घर में बाइबल पढ़ी जाती है,
मुस्लिम के घर में कुरान पढ़ी जाती है, उसी तरीके से हम सिख्स के घर में गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जाता है, उसी तरीके से घरों में ये एक्चुअली वर्बल हो, बी वोकल अबाउट इट, टॉकिंग इज द सॉल्यूशन टू द थिंग्स दैट वी हैव. रिया का एक मैसेज मैंने मिस किया है कि स्कूल में इनिशिएटिव्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली स्कूल्स में लोगों ने इनिशिएटिव्स कम लिए हैं ना, आई थिंक स्कूल्स बहुत अच्छा मीडियम बन सकते हैं इस इनिशिएटिव के लिए. स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन नॉट ओनली अबाउट पीरियड्स, अबाउट एवरीथिंग, उसमें दिस कैन बी अ पार्ट एंड इट कैन बी अ गुड पार्ट. एंड नॉट ओनली, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्कूल बैक देन, सो वी हैड दिस सेशन ओनली फॉर द गर्ल चिल्ड्रन, यू नो द गर्ल्स वर टेकन टू अ सेपरेट रूम एंड देन टोल्ड अबाउट पीरियड्स. सेम जब मैं 8th क्लास में थी तो सेम मेरे साथ हुआ था कि गर्ल्स को अलग बिठाया गया था एंड उनको एजुकेट किया गया था, तो भी एक वही चीज गलत हो जाती है आगे जाके. गर्ल्स को लेके जाने का एक और पॉइंट था, जब हम वापस क्लास में आए तो बॉयज क्या क्या बात हुई थी, तुम ऐसा क्यों लेके गए थे, क्या बताया था तुम्हें, वो और हाँ यस I think either main, मतलब I didn't experience this when I was 10. ये mostly जब reproduction वाला chapter हम लोगों को सर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमारे मेल टीचर थे और सर हमें बिल्कुल गर्ल्स को साथ में बैठे थे और सर काफी अच्छे से पढ़ा रहे थे, बिल्कुल डिटेल में, इवन हम स्मार्ट बोर्ड में सारे पीरियड्स और सब ब्लीडिंग सब कुछ देख रहे थे स्लाइड्स में, तो वो सर काफी कम्फर्टेबल, बट सम बॉयज वेर लाफिंग आई डोंट नो वाई, और फिर सर उनको उठा के उसी टाइम डांटे, क्लास से आउट कर दिए. तो वो चीज होना चाहिए, बॉयज लोग की मेंटालिटी भी कुछ कुछ वो भी चेंज होने की जरूरत है. मेंटालिटी ऐसी है क्योंकि वो हमने बनाई है, हमने उसको इतना दूर रखा है. वी हैव केप्ट फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स सो मच अवे फ्रॉम ऑल दिस, तो मेंटालिटी तो वहीं से आएगी. और देखो वो लोग हंस रहे थे बैक देन, जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ रहे थे हमारे सबके ऑलमोस्ट रिएक्शन ऐसे ही थे. क्यों, यही रीजन क्योंकि हम इतना हाइड करके रखते, इतना टॉप सीक्रेट जैसा, जैसे कि ये कोई टैबू है, उन्हें कभी बताते ही नहीं कि इट इज नॉर्मल, तो उनको लगता है कि इतना हाइड करते हैं क्योंकि देयर इज समथिंग, ऐसे कोई बॉम्ब बॉम्ब वाला चीज नहीं, इट्स जस्ट नॉर्मल. बॉम्ब बॉम्ब वाला चीज तो बिल्कुल नहीं है, बट यस इट इज नॉर्मल, इट इज नॉट, इट इज द नेसेसिटी ना, आपको पता है बिकॉज़ योर ह्यूमन बॉडी, योर फीमेल बॉडी इज सपोज्ड टू कैरी अ बेबी. And what direct message is, भैया नहीं इस महीने नहीं, you are not conceiving this month. That's it. Abnormal तो वो है ना जिनको नहीं होते, मतलब वो problem है, वो जाके इस चीज के लिए डॉक्टर को चेकअप कराते हैं, तो जिनको होते हैं फिर उनको इतना शेम क्यों फील करना. And boys actually do not laugh on the point of periods, they laugh because sex word openly, I think वो reproduction की class में पहली बार आता है, इसलिए they just have a laugh it out kind of a thing. बाकी वी हैव टू रियली नॉर्मलाइज दिस कॉन्सेप्ट अबाउट एवरीथिंग. इनफैक्ट सेक्स एजुकेशन में दिस थिंग अबाउट रिप्रोडक्शन शुड ऑल्सो बी टॉट मच अर्लियर इन द क्लासेस, बट वी आई थिंक वी विल उसके लिए वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन. आज वी लेट्स लेट्स जस्ट कीप इट टू मेंस्ट्रुअल साइकल्स. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस, वी हैव डिस्कस्ड द मिथ्स, वी हैव डिस्कस्ड द टैबूज, एंड वी हैव डिस्कस्ड व्हाटएवर वी हैव टू डू अबाउट इट. So let's make it a point, all of us, that we will educate the people that we have, that are around us, हमारे से छोटे हमारे siblings हैं, तो या कोई भी है तो we will educate them. So yeah, thank you all for watching and आज के इस वीडियो से हो सकता है अगर एक person का भी mindset change होता है तो ये एक success होगी. So thank you all for watching. Just and now I would like to convey my special thanks to all my dear friends Chitra, Swati, Komal, Krishika, Riya and Shweta to be a part of this discussion. And lastly, I would convey my heartfelt thanks to Kriti ma'am, Shivanshi ma'am and Vanshika ma'am to be a part of this discussion and making it fruitful. So at last, I hope ki video aap logo ko achhi lagi hogi and agar is video se kisi ek person ki bhi thinking process mein, mindset mein change aaya hoga, to that is a success. So आई होप कि हम लोग भी छोटे छोटे कुछ स्टेप्स लेंगे जिससे कि हम ये टैबू ब्रेक कर पाएंगे, स्पेशली वी द यंग जनरेशन. एंड लास्टली थैंक यू ऑल एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्प्रेड पॉजिटिविटी.